हाँ जी, मैं ये कह रहा था, मास्टर और स्लेव यूनिट को जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो आपस में जब कनेक्ट करते हैं, तो आपस में कनेक्ट करते समय जो हम कनेक्ट करते हैं वाई ब्रांच के माध्यम से, क्योंकि सेक्शन और डिस्चार्ज को आपस में कनेक्ट करने का जरिया क्या है, वाई ब्रांच ही है ना। हाँ वही इस वीडियो में आप देख रहे हैं वाई ब्रांच वगैरह। तो हमारा जब कोई भी अगर सिस्टम पे अगर हम फर्स्ट टाइम मतलब न्यू इंस्टॉलेशन जब होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि हमारे आउटडोर यूनिट जो होते हैं, या तो सिंगल आउटडोर रहेगा या डबल आउटडोर रहेगा, या तीन दो स्लेव या एक मास्टर रहेगा, इस तरीके से कैपेसिटी कमियां ज्यादा हो सकती है ना। हाँ तो कनेक्ट हमको क्या क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे सेक्शन है और डिस्चार्ज है उनको कनेक्ट करना पड़ता है, अगर टू टू पाइप वाले हमारे सिस्टम है तो, है ना। अब इसके अंदर में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या मतलब, जैसे नॉर्मली आपको क्या सावधानियां, एज अ सुपरवाइजर आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, एज आप सुपरवाइजर हो मान लो, तो आपको क्या करना चाहिए, या आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या वो मतलब इम्पोर्टेंस है जो हमारे सिस्टम के अंदर में हमको रखना चाहिए। क्योंकि टेक्नीशियन का काम तो पाइपिंग जोड़ना है, वो तो वेल्डिंग करके जोड़ देगा, लेकिन बात करें हम एज ए बिजनेस ओनर की, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है उस पे सिस्टम से लगने वाले हैं, आप कंपनी में अपने काम करने वाले टेक्नीशियंस को बोल देंगे जाओ और इंस्टॉल करो, तो वो अपने हिसाब से कर देंगे। लेकिन एग्जैक्टली आपको अगर पूरा एकदम सिस्टम से अगर क्वालिटी वर्क करना हो, तो क्या किस तरीके से करेंगे, मतलब पहला स्टेप क्या होएगा आपका आउटडोर इंस्टॉलेशन के समय। अच्छा, फर्स्ट तो उसका जो बेस जो बनता है वो तैयार करना है, रेडी करना है पहले, जहाँ करेक्ट। हाँ फाउंडेशन होगा वो, ठीक है। फिर उसका कमरा जो वाई ब्रांच है वो सेट करना है, जो भी ड्राइंग में दिया है उस साइड, उस तरह से उसको बताना है कि यहाँ ये लगेगा, ठीक है। देखो, जब भी हम बेस तैयार करते हैं ना उससे आउटडोर, जब भी आउटडोर यूनिट का बेस तैयार करते हैं ना, तो लगभग लगभग हमको जो बेस बॉटम होता है ना, उस बॉटम हाँ से हमको लगभग लगभग 4 इंच या 5 इंच, 4 5 6 इंच तक का जो स्पेस देना चाहिए, जहां अपन चैनल लगा सकते हैं, या फिर कोनर टू कोनर किसी भी तरीके के अपन उसमें लगने वाले सपोर्ट लगा सकते हैं। मतलब सपोर्ट तो क्या है, वही मतलब क्या है कि जिससे अगर हम सीजनल भी लगाते हैं उसके हिसाब से, रीजन क्या है कि जैसे आउटडोर में अगर कोई भी पानी बह के आएगा, अगर नीचे बिल्कुल टच बॉटम रहेगा, वैसे तो क्या है लोहे का स्ट्रक्चर बना के लगाते हैं सारे लोग, तो लोहे के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लोहे का जो स्ट्रक्चर रहता है उसी के अंदर में फिट करते हैं उसके वेट के हिसाब से, ताकि क्या सर्विस वगैरह करना हो या कोई बरसात बरसात आए तो पानी नीचे जमा नहीं हो और निकल जाए, मिट्टी वगैरह से स्किल्स होके कार्बन वगैरह ना हो। तो एक तो ये हुआ कि हम अगर रूफ टॉप पे हैं तो, या सीमेंटेड अगर हम उसके लिए फाउंडेशन बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं अगर नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसका, लोहे का, आउटडोर की कैपेसिटी के हिसाब से मजबूत लोहे का, ठीक है ना, जहां हमारा आउटडोर स्टे लगने वाला है, उसके नीचे रबड़ की जो है फिटिंग वगैरह बराबर तरीके से लगाते हैं, ताकि कोई भी वाइब्रेशंस उसके अंदर में हो तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। या फिर सीजनल्स हाँ वगैरह हम लगा सकते हैं, फिर उसको ड्रिल करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आउटसाइड आउटडोर जो रहते हैं ना, रूफ टॉप पे नहीं होके आउटसाइड होते हैं, वहां पे ये सीजनल वाला काम ज्यादा परफेक्ट रहता है, क्योंकि उसमें क्या है कि फास्टनर डालना पड़ता है, तो छत में फास्टनर नहीं डाल सकते अपन रूफ टॉप पे, वो आउटसाइड के लिए हाँ सही सही है। रहता है। जब फिटिंग सही हो जाता है तो आपको ये देखना है कि तीनों जो आउटडोर है उनके सेक्शन और डिस्चार्ज है ना, उसका बॉटम से गेप है ना इक्वल होना चाहिए, मतलब सेक्शन और डिस्चार्ज का आप जब मेजरमेंट लेते हैं ना, कि नीचे बॉटम से अब जो आपका वाई ब्रांच लगने वाला है, तो उसके लिए भी आप ट्रेवर करेंगे वाई ब्रांच के लिए भी, है ना, तो पाइप तो आप बाद में लगाएंगे, पहले ट्रेवर करेंगे। ट्रेवर करेंगे किसके लिए, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग्स वगैरह के लिए। जब ट्रेवर हो जाएगा आपका, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको बिल्कुल उस हिसाब से वो करना है कि जिसमें आपका जो सिस्टम के अंदर में लगने वाले जितने भी जो पाइप्स वगैरह है ना, सेक्शन डिस्चार्ज वगैरह, सेक्शन डिस्चार्ज वगैरह, वो एग्जैक्टली उसके अंदर में 90 डिग्री के अंदर में हो, ऐसा कोई ऊपर नीचे इधर उधर वाला काम नहीं हो, बराबर तरीके से लगे हुए हो। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर तरीके से अगर इंस्टॉलेशन वगैरह हमारा रहेगा सिस्टम के अंदर में, तो डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से
हमारा जो सेक्शन और डिस्चार्ज है उसका जो लेवल है वो बराबर रहेगा, कहीं पे भी ऊपर नीचे वगैरह रहेगा तो ये सब चीजें सही नहीं होता, अनप्रोफेशनल चीजें होती है। इंसुलेशन का काम हो चाहे किसी भी तरीके का काम हो वो सब बाद में होगा, सबसे पहले अपना इंस्टॉलेशन में प्रोसेस में आउटडोर फिटिंग होएगा। आउटडोर फिटिंग के अंदर में हमारे को जैसे आपको मैंने बताया है कि हमारा जो तीनों आउटडोर यूनिट है ये तीनों आउटडोर का सेक्शन और डिस्चार्ज वाइब्रेंस लगाते हैं ना। अब वाइब्रेंस लगाने के लिए हमको क्या ध्यान देना पड़ता है, देखो मैं एक बात बताऊँ, एक सिस्टम है आपका मान लो 20 ऊपर से 20 HP का है, सुपर कैपेसिटी का कोई भी सिस्टम है ना, एक है आपका 10 HP का और एक है 8 HP का, एक है 20 HP, एक है 10 और एक है 8 है, या फिर 2 है 20 और एक है 10 HP का। तो जो 10 HP का मशीन है ना, उसकी सेक्शन डिस्चार्ज की साइज छोटी होगी बड़ी होगी? जो सेक्शन और डिस्चार्ज है ना, हाँ देखो क्या होता है हर सिस्टम, जैसे अगर हम 1.5 टन का एसी लेंगे तो उसका सेक्शन डिस्चार्ज का साइज अलग होगा, अब अगर 5 टन का डक्टेबल लेंगे तो उसका सेक्शन डिस्चार्ज अलग होगा। तो बात तो वही है ना कि सेक्शन और डिस्चार्ज की साइज क्या होगी। तो हम जब फिटिंग कर रहे हैं, हाँ सही जब बात वाइब्रांच फिटिंग कर रहे हैं, तो मान लो हमने जो तीन आउटडोर लगाए हैं उन तीनों आउटडोर के अंदर में सेक्शन डिस्चार्ज हम कनेक्ट करने वाले हैं, सही ठीक है ना, और उसके हिसाब से हमारा पाइप लगने वाला है। तो सबसे पहले जो आप सेक्शन लाइन कनेक्ट करोगे, डिस्चार्ज लाइन कनेक्ट करोगे, वो ज्यादा कैपेसिटी के यूनिट से कनेक्ट करोगे, उसका जो फ्लो होगा रेफ्रिजरेंट फ्लो वो डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए, ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, इसको ओके अच्छे से समझो। जब एक मशीन है ए नंबर पे, हाँ दूसरी है बी और तीसरी है सी, और जो सी वाली है ना उसका लास्ट 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 डाउनवर्ड में रहना चाहिए, ए वाली का बड़ा साइज है सेक्शन डिस्चार्ज फर्स्ट का, रहेगा बड़ा हाँ वो कनेक्ट होएगा मेन सेक्शन और डिस्चार्ज के साथ में। में हाँ उसके आगे जो आउटडोर यूनिट है बी नंबर का, मान लो वो भी 20 HP का है, तो उसका भी सेक्शन डिस्चार्ज वाइब्रांच लग के उसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसमें वाइब्रांच की साइज भी बड़ी होती है, और वाइब्रांच की साइज भी बड़ी होती है, वो वाइब्रांच उसके अंदर में कनेक्ट हो जाएगा। और बाद के अंदर में आउटडोर 1 से लेके आउटडोर 2 तक अगर सेम कैपेसिटी है, तो पाइप का जो सेक्शन और डिस्चार्ज साइज है एक जैसा रहेगा। अब देखना आगे, ठीक अगर सी है तो सी के बी से सी के बीच का जो पाइप का गैप है ना वो कम रहेगा, गैप क्या रहे साइज कम रहेगा, इसका साइज कम रहेगा, वो वाइब्रांच देख लेगी आगे, भाई हमको देखना है कि सेक्शन डिस्चार्ज का साइज क्या है, वही तो वाइब्रांच उठा के आगे पाइप डालेंगे हम, हाँ सही तो वहां से वो पाइप हम डालेंगे सेक्शन डिस्चार्ज, और वहां से फिर वो आउटडोर से होता हुआ हमारे इंडोर यूनिट के अंदर में जाएगा, जहां पे भी इंडोर 1 2 थर्ड जितने भी है उसके हिसाब से, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। वाइब्रांच 1 एंड 2 एंड 3 आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए हम तीन वाइब्रांच का उपयोग कर रहे हैं। अब तीनों वाइब्रांच का मॉडल नंबर क्या होना चाहिए ये हमको कहाँ से पता चलेगा, हमारी ड्राइंग से। ड्राइंग ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारी ड्राइंग वाइब्रांच पड़ी है, कहीं से ही उठा के लाए और कहीं से उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं है, जो जहाँ की है वहीं से आके वही मॉडल नंबर की वाइब्रांच वहीं के लिए डिजाइन होती है वहीं के लिए, तो वो वहीं लगेगा। और पाइप का जो साइज है, पाइप का साइज कितना होएगा सेक्शन और डिस्चार्ज का आउटडोर ए और बी और सी के बीच का, वो भी हमारे ड्राइंग के अंदर में मेंशन रहेगा कि इससे इतना इस साइज का आउटडोर 1 से लेके 2 के बीच का जो पाइप है सेक्शन का, उसका इतने इतने एमएम का पाइप है, ये वो सेक्शन लगेगा, वो डिस्चार्ज लगेगा जो ड्राइंग में मेंशन है, हमारी मर्जी से हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। और वो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम कितना पाइप और वो तो चलता है दोनों यूनिट के बीच का लेंथ। देखो वैसे तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो तो क्या है जब हम आउटडोर का इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो आउटडोर इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारे को, देखो मैं इंजीनियरिंग लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे कोई ऐसी बात नहीं उठा के फेंक रहा हूँ आपको, ठीक है ना,
आउटडोर वन और टू और थ्री लगाते हैं ना, तो उसके अंदर में जो बीच का जो गैप होता है ना, वो ड्राइंग में मेंशन रहता है हाँ कि कितने डेंस हाँ वो तो मैं डेंस। समझ गया, लेकिन आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मैं वो पूछ। यार हम कैसे रख सकते हैं, आपको फिर मैं वही बात करूँ, सब लोग एक ही बात बोलते हैं। अब मैं जितने लोगों के क्वेश्चन सुनता हूँ ना, हम कितना रख सकते हैं, हम कितना रख सकते हैं, हमारी मर्जी थोड़ी है जो हम रख सकते हैं। मैंने आपको साफ बोला, वीआरवीआर की पाइपिंग के अंदर में हर एक अरे लेंथ, अरे हर एक साइज, एक ऑलरेडी ड्राइंग के अंदर में मेंशन रहता है कि कितने से लेके कितने के बीच में क्या पाइप का साइज रहेगा। हमारी साइज और वाई ब्रांच का मॉडल नंबर एग्जैक्टली फिट होता है पहले से ही। की बात, लेकिन कोई होगा ना कोई पेंटर के इतना मैक्सिमम करा पड़ सकता हाँ जी बोलिए, क्या है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बीच को, मैं वो पूछ रहा कह रहे हो। हूँ। समझो दो यूनिट है ठीक है, ए और बी, हाँ ये दोनों के बीच पे जो ड्राइंग में तो सब दिया है वो समझ गया मैं, कि हाँ उसके भी कुछ पैरामीटर होंगे जिससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ये साइज इतने के बीच की होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं है। मैंने वाई ब्रांच बहुत लगाए हैं, इतने लगाए हैं कि मेरे को भी याद नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप अगर लेंथ पे जाते हो ना कि 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, ऐसा कुछ हाँ सिस्टम नहीं है। आपको बता रहा हूँ, मैं दिमाग से क्लियर कर लेना इस बात को। जहां पे हमारे को ड्राइंग के अंदर में अच्छा बताया गया है ना, वहीं पे ही वाई ब्रांच हमारा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में कोई ऐसा सिस्टम नियम नहीं है कि आपने अगर 2 फीट पे लगा दिया, 5 फीट पे लगा दिया, या 10 फीट पे, 2 मीटर पे लगा दिया, तो इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल खराब हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ वाई ब्रांच क्या करती है, डिवाइड करती है आपके रेफ्रिजरेशन फ्लो को। उसमें कोई भी मैकेनिकल हाँ डिवाइस वो नहीं तो रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, ना कि वो कोई कंडेंस कर रही है। जैसे हमारा कंडेंसिंग क्या करता है, हम मान लो अगर ड्रायर लगा रहे हैं, तो ड्रायर क्यों लगाते हैं, ताकि वो कंडेंस हो। हम फिल्टर क्यों लगाते हैं, ताकि कंडेंस हो, है ना। हम अगर सेक्शन और ओपरेटर पे, सेक्शन हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है उस पर एक्सपेंशन वाल्व क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा वहां पे डिस्चार्ज हो कूलिंग कोयल में, हमको कूलिंग इफेक्ट आए। यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है सर, सिर्फ एयर, आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो आ रहा है और सीधा सिस्टम में आके आगे जा रहा है, और कुछ भी नहीं है वाई ब्रांच के अंदर में। सिर्फ जस्ट लाइक ए पाइप इन द शेप, और उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है इसके अंदर में। और कोई भी बोलते हैं कितना गैप रहना चाहिए, ऐसा कोई मैथमेटिक्स इस सिस्टम के अंदर में नहीं बैठता है। आप 2 मीटर पे भी लगा सकते हैं, 5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, 10 मीटर पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। डिपेंड ऑन योर सर्फेक्स एरिया, आपके डिजाइन में कहाँ कहाँ इंडोर यूनिट्स हैं, वो कितने कैपेसिटी के अंदर, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जो आपकी ड्राइंग के अंदर में मेंशन कर रखा है कि यहाँ से लेके इस पाइप का साइज ये रहेगा, यहाँ से लेके ये रहेगा, यहाँ से लेके ये रहेगा, वो सारी चीजें पहले से फिक्स रहती है। और बताइए कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड। नहीं वो तो आपने समझा हेलो दिया बराबर। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये अपना रेफनेट का मुंह इस साइड है ना, राइट साइड है भी, तो ये इंडोर की तरफ जाएंगे तो रेफनेट के साइड लेफ्ट साइड में हो जाएगी, रेफनेट का ये साइज है ना, वाई ब्रांच निकलेगी जो, तो वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना थी सर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सेक्शन और डिस्चार्ज आउटडोर से इंडोर यूनिट की तरफ आ रहे हैं, दोनों पाइप इक्वल आ रहे हैं। अब उसके अंदर में से एक सेक्शन है, डिस्चार्ज उठा के देना है सिस्टम को, इंडोर यूनिट को। उस टाइम में उनके उनमें जो कोई भी मान लो अगर रहे लेफ्ट में या राइट में, तो हमको तो पाइप उठा के देना है सेक्शन और डिस्चार्ज का। वो तो हमारा जो फिटिंग करने का जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से फिट होएगा। उसमें तो सेक्शन डिस्चार्ज एक ही ट्रे के अंदर में दो सेक्शन डिस्चार्ज ही आएंगे, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है उसको लगाने के लिए। नहीं ऐसे दिक्कत थोड़ी ना आती है सर, कैसे भी लगा सकते हैं ना, कैसे भी क्या मतलब, मतलब ये ऐसे एक एक साइड में, एक साइड में होती है रेफनेट का मुंह, आउटडोर से इंडोर तक। तो जो फ्लो होता है फ्लो के हिसाब से ही तो चलेगा, उल्टा कैसे जाएगा। रेफ्रिजरेंट जो फ्लो आ रहा है ना आपका, वो सीधा ही तो आएगा आपका, जहां पे भी इंडोर में जाना है, जो शेप है वाई ब्रांच का उसके हिसाब से तो लगाओगे, उल्टा कैसे लगाओगे। ड्राइंग के हिसाब से लगा देंगे सर। हाँ उल्टा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका इन और आउट का साइज ही अलग होता है।
इनका जो साइज होता है वो होता है जो हमारा मेन सेक्शन डिस्चार्ज आ रहा है वो वाला, और आउट का जो रहता है वो रहता है जो हमारा इंडोर यूनिट की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो जो इंडोर यूनिट की कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से तो वाइब्रेंस लगेगा। ठीक है सर। ये देखो वाइब्रेंस में क्या है, अलग अलग तरीके के हमारे शेप होते हैं, है ना। तो ये इधर से इन होएगा और इधर से आउट होएगा, तो एक सेक्शन एक डिस्चार्ज है यहाँ पे। जो शेप होगा हमारी सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से इंडोर यूनिट का उसको लगा देंगे। एक सेक्शन का वाइब्रांच होता है, एक डिस्चार्ज का वाइब्रांच होता है। दोनों वाइब्रांच अलग अलग होता है, सेक्शन के लिए अलग होता है और डिस्चार्ज के लिए अलग होता है। दोनों एक ही बॉक्स में पैक रहते हैं, उनके मॉडल नंबर उस पर लिखे हुए रहते हैं, और बाकी जैसा पाइप होता है उसके साइज के हिसाब से इसको काट के हम उसके अंदर में पाइप में कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो, हाँ बताइए सर। हाँ ये बात मैं कह रहा था आपको, आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज मैं जो समझा रहा हूँ आपको ना। हाँ वो तो आ रहा है। जी, वाइब्रांच के जो भी साइज वगैरह रहते हैं, अलग अलग साइज के अलग अलग वाइब्रांच, हर कंपनी के कंपनियों के अलग अलग मॉडल नंबर के हिसाब से अलग अलग रहता है। हम ये प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो अब ये चीज देखना होता है हमारे को। जो भी इंसुलेशन वगैरह करते हैं, इंसुलेशन के लिए इसका जो पैकेज आता है, इंसुलेशन फॉर्म वगैरह, वो भी अलग ही आता है। वो उसके साथ में कंपनी पहले से ही दे देती है किस तरीके का लगने वाला है वो। यह है, अच्छा तो कभी भी आप इंसुले आप जब वेल्डिंग करेंगे तो प्रेशर टेस्ट करेंगे ना, तो उस टाइम पे प्रेशर टेस्ट करने के टाइम पे हाँ पूरा लीकेजेस चेक कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, तो फिर वाइब्रांच का साथ में जो हमारे को इंसुलेशन मिलता है वो इंसुलेशन इसके आकार का होता है, जो इसको फिट बैठाता है एकदम, वो इसके इंसुलेशन इसके अंदर में कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद के अंदर में उसको ऊपर से हमारा जो भी और अदर इंसुलेशन होता है वो हम इसको कर देंगे, मतलब इसको खुला नहीं छोड़ना है। यहां तक समझ में आ गया आपको? हाँ यहाँ तक तो आ गया।